हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार दीप एक्सप्लेनर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डैडीज गर्ल के बारे में। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक बाप अपनी स्टेप डॉटर के साथ क्या क्या करता है, उसे कितना टॉर्चर करता है। सो दोस्तों इस मूवी को अपने दिमाग पे ना। इस मूवी की शुरुआत में हमें जॉन नाम का आदमी अपनी बेटी के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देता है। उसकी बेटी का नाम है जूही। जूही अपनी इस लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है। जूही कई बार अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहती है। जॉन एक सोल्जर था जिसे लड़कियों को टॉर्चर करने में और उनके साथ बलात्कार करने में बड़ा मजा आता था। एक रात ये लोग दोनों बार जा रहे होते हैं, तभी इनकी रेडियो पे एक लड़की के लापता होने की खबर सुनाई देती है। शायद उस लड़की को इन लोगों ने ही किडनैप किया होगा। ये लोग बार पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि एक लड़की अकेली एकांत बैठी है। उसे ये लोग अप्रोच करते हैं और फ्री में ड्रिंक पिलाते हैं। फिर ये लोग उस लड़की को अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा नर्क घर में स्वागत है, और उस लड़की को ये जबरदस्ती एक बेड पे बांध देते हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिसमें उन सब लड़कियों की तस्वीरें होती हैं जिसे इन लोगों ने अभी तक टॉर्चर करके उनकी जान ले ली है। अगले दिन हमें एक जेनिफर नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि डेफिटी कोर्ट से लिफ्ट लेती है। तभी जेनिफर स्कॉट की गाड़ी में कुछ मिसिंग पोस्टर देख के वो उनके बारे में पूछती है, तो स्कॉट बताता है कि वो इस टाउन का डेप्यूटी है और इस मामले में अभी छानबीन कर रहा है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन और जूही ने जिस लड़की को किडनैप कर रखा था, जॉन उस लड़की को पिछली रात काफ़ी टॉर्चर करता है। अगली सुबह जब जूही आती है तो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वो एक फांसी का फंदा बनाकर लटकाती है और उस लड़की से कहती है कि चाहो तो तुम इस पर लटक कर अपनी जान दे सकती हो या फिर तुम जॉन का ऐसी टॉर्चर सहती रहो। वो लड़की ये बात सुनते ही उस फांसी के फंदे पर लटक जाती है और अपनी जान दे देती है। जॉन जब घर आता है तो वो देखता है कि वो लड़की फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। जॉन समझ जाता है कि किसी और ने नहीं, जरूर जूही ने किया है। जूही को एक कटर देता है जॉन और बोलता है कि इस बॉडी के तुम टुकड़े टुकड़े करो, और जूही ना चाहते हुए भी उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े करती है। वो बहुत परेशान हो जाती है। अगले सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि कॉल करके स्कॉट को बुलाती है और वो उससे कहती है कि मेरे घर के सामने कुछ बच्चे अंडे फोड़ कर जाते हैं, वो बहुत शरारत करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, तुम उन्हें अरेस्ट करो। स्कॉट कहता है मैं उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, वो बस सिर्फ शरारती बच्चे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही दो बच्चे स्कॉट की गाड़ी का हवा निकाल कर भाग जाते हैं। ये देखकर स्कॉट को बहुत गुस्सा आता है। फिर स्कॉट हवा डलवाने के लिए पास में ही जॉन और जूही के गैराज में जाता है। जॉन को देखकर स्कॉट को लगता है कि उसने पहले भी कहीं जॉन को देखा है। वो जॉन से पूछता है क्या तुम पहले मिलिट्री में थे। जॉन बताता है कि हाँ, एक बार मुझे इराक भेजा गया था। स्कॉट बताता है कि मैं भी वहीं था लेकिन मेरा बैच अलग था। जॉन से बात करने के बाद स्कॉट को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। स्कॉट जॉन के बारे में शेरिफ से पूछता है। शेरिफ बताता है कि मिलिट्री से आने के बाद जॉन ने एक विवाहित महिला से शादी कर ली जिसकी 11 साल की बेटी भी थी, और शादी के 2 साल बाद ही उस औरत ने सुसाइड कर लिया। और जॉन आजकल एक यंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। हालांकि यहाँ जॉन ने अपनी स्टेप डॉटर को सब लोगों को बता रखा था कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर आगे दिखाया जाता है कि जॉन और जूही अपने अगले शिकार के लिए बार में जाते हैं। वहाँ पर जूही को जेनिफर दिखाई देती है जो कि बार है। वहाँ पर जूही जेनिफर से बात करने लगती है और फिर जॉन यहाँ एक लड़की को फंसा लेता है। जूही देखते ही जॉन के पास जाती है और फिर इन दोनों के पास थोड़ी देर में जेनिफर भी आती है। जेनिफर को देखते ही जॉन उससे फ्लर्ट करता है और उससे डेट के लिए पूछता है। जेनिफर तैयार हो जाती है डेट पर चलने के लिए और इनका अगला शिकार होता है एक दूसरी लड़की। उस दूसरी लड़की को जॉन अपने घर ले जाता है और उसे करंट के शॉक देकर कि एक ना एक दिन मरने के बाद हर किसी को नरक में जाना होता है और इसीलिए हम लोगों को नरक का एक्सपीरियंस देते हैं उन्हें तड़फा कर टॉर्चर करके।
और यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट को एक पुरानी फाइल और एक फ़ोटो मिलती है, जिससे पता चलता है कि जॉन कोई मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर नहीं, बल्कि उसे रूल ब्रेक करने की वजह से मिलिट्री से निकाला गया था। और फिर उसके बाद उसने एक 11 साल की बेटी की माँ से शादी की और उसके 2 साल बाद उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया। ये बात स्कॉट शेरिफ की बेटी को बताता है और शेरिफ की बेटी को पता चल जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी स्टेप डॉटर है। और यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉन उस लड़की को फिर से टॉर्चर कर रहा है। जब जॉन नहीं होता तो जूही आती है और उस लड़की से कहती है कि क्या तुम जॉन का फिर से टॉर्चर सहना चाहती हो या फिर तुम मेरी इस गन से अपनी सुसाइड करना चाहती हो। वो लड़की मान जाती है और अपने आत्महत्या कर लेती है। और यहाँ स्कॉट जॉन और जूही के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जूही के स्कूल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जूही के प्रिंसिपल से होती है। उसकी प्रिंसिपल उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाती हैं जिससे कन्फर्म हो जाता है कि जॉन की बेटी जूही है। और फिर अगले दिन शॉपिंग के लिए जॉन और जूही मार्ट जाते हैं और फिर वहाँ अचानक स्कॉट आ जाता है। स्कॉट जूही से बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। जूही उससे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जॉन और जूही अपने अगले शिकार के लिए फिर से बाहर जाते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात जेनिफर से होती है। जेनिफर को जूही मना करती है कि तुम मेरे साथ हमारे घर मत जाओ, क्योंकि जूही को जेनिफर अच्छी लगने लगी थी। लेकिन जेनिफर नहीं मानती, वो तैयार हो जाती है और जूही से कहती है तुम चुप रहो और हम जाएंगे। यहाँ जॉन जेनिफर की ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता है और फिर उसे उठाकर अपने उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर उसने हर लड़कियों का कत्ल किया है और उन्हें टॉर्चर किया है। यहाँ पर स्कॉट उनका पीछा करते हुए उनके घर आ पहुँचता है। यहाँ पर जॉन ने अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह पर नोक लगाए हुए हैं और उसी में स्कॉट का पैर फंस जाता है। स्कॉट की चीखें सुनकर वहाँ पर जूही आती है और उसे निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक वहाँ जॉन आ जाता है और वो स्कॉट को खींचकर अपने घर में ले जाता है। तभी अचानक देखता है कि बेड पर जेनिफर नहीं है, क्योंकि उसने अपनी रिंग से उस बेड के लॉकर को खोलकर वहीं छुप जाती है। यहाँ जॉन जब जेनिफर को ढूंढते हुए बाहर जाता है तो जेनिफर उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ स्कॉट जूही को एक अच्छी लड़की बताकर उसे थैंक्स बोलता है। यहाँ पर जूही की अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो जॉन को मार देगी और फिर उसे वहीं शूट कर देती है। और फिर अगले सीन में स्कॉट को दिखाया जाता है, उसके साथ शेरिफ की बेटी होती है। शेरिफ की बेटी स्कॉट से पूछती है जूही के बारे में, वो बोलता है कि उसकी अभी तक कोई खबर नहीं है। और यहाँ फिर क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है कि जूही और जेनिफर मिलके एक क्रिमिनल को मारते हैं और यहीं मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये आप लोगों की मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा देना। और नीचे एक ज्वाइन का बटन है, चाहो तो आप मेरे को ज्वाइन भी कर